हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स पॉजिटिविटी। दिस इज शिफाली हेयर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपी टीजीटी और पीजीटी एग्जाम। अगर आप टीजीटी और पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कॉमर्स सब्जेक्ट से हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें एक बार जरूर देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। सबसे पहला है, द कॉम्पिटिशन एक्ट वॉज इन्फोर्स्ड इन द ईयर। जो कॉम्पिटिशन एक्ट है वो किस ईयर इन्फोर्स किया गया था, 2001, 2003 या फिर नन ऑफ दीज। सो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आप बता सकते हैं? देखिए, इसका राइट ऑप्शन है नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें से कोई भी ऐसा ईयर नहीं है जिसमें कंपटीशन एक्ट इन्फोर्स हुआ था। जो कंपटीशन एक्ट है, MRTP एक्ट है 1969, को व्यापारियों की बाजार में सुरक्षा के लिए बनाया गया, जिसका ऑब्जेक्टिव था बाजार में एकाधिकार तथा प्रतिबंधित क्रियाओं को रोकना। लेकिन वर्ष 2002 में MRTP एक्ट 1969 की जगह पर कंपटीशन एक्ट 2002 आया, ठीक है, कंपटीशन एक्ट 2002 आया, जिसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के नाम से जाना जाता है, कंपटीशन एक्ट 2002 के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि कंपटीशन एक्ट जो है वो 2002 में आया था और MRTP एक्ट 1969 में था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेस्ड MRTP। MRTP को रिप्लेस किसने किया था? अभी हमने बात की MRTP और कंपटीशन एक्ट के बारे में, सो आपको इसमें से बताना है राइट ऑप्शन क्या होगा, कंपटीशन एक्ट, FRBM एक्ट, FEMA एक्ट या फिर FERA, FERA एक्ट। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो है कंपटीशन एक्ट। ओके, MRTP को रिप्लेस करके जो नया एक्ट आया था 2002 में वो था कंपटीशन एक्ट, जिसकी अभी हमने बात की, जो 2002 में इस्टेब्लिश हुआ था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ड्यूटी विच इज़ इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, परचेज एंड सेल ड्यूटी या फिर ट्रेड ड्यूटी। सो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, बी, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी है जिसको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के टाइम, जब गुड्स और सर्विसेज का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है उस टाइम पर कस्टम ड्यूटी को लगाया जाता है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड इज, पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट्स इन रुपीज, इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स, अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन होगा सी, अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड। सो विदेशी व्यापार में वस्तुओं और सेवाओं और वित्तीय संसाधनों का अंतर्देशीय प्रवाह शामिल होता है। भारत के विदेशी व्यापार की सबसे बड़ी समस्या व्यापार की शर्तों का प्रतिकूल होना है। सो व्यापार की शर्तें विपरीत होने के कारण भारत का विदेशी व्यापार प्रभावित होता है। तो भारत की विदेशी व्यापार को कमजोर होने के जो मुख्य रीजंस हैं उनमें से एक है उत्पादन में कुशलता की कमी, मतलब। सो ये था फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हालसे प्रीमियम प्लान इज़ बेस्ड ऑन। सो हालसे प्रीमियम प्लान इज़ बेस्ड ऑन, आपको राइट ऑप्शन इसमें देखना है क्या है, टाइम टेकन, क्वांटिटी ऑफ वर्क, टाइम सेव्ड या फिर क्वालिटी ऑफ वर्क। सो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है सी, टाइम सेव्ड। हालसे प्रीमियम योजना में प्रीमियम की दर बचाए गए समय के 50% के बराबर होती है। इस योजना में अधिक कार्य करने पर कुल पारिश्रमिक दुगना हो सकता है। सो इस योजना में श्रमिक अधिक समय बचाने के लिए तेजी और असावधानी से कार्य करते हैं, जिसके कारण मशीनों और उपकरणों की टूट फूट और घिसावट हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो उसी वजह से मशीनों का सही उपभोग नहीं हो पाता है, उनका सही से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो इस योजना में प्रीमियम गणना करना आसान है, तो इसीलिए इस योजना को बनाया गया, क्योंकि इसमें इस गणना को करना आसान है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज, द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज, पॉलिटिकल एडवांटेज, एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट, प्रॉफिट अर्निंग और सोशल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। सो प्रॉफिट अर्निंग ही, प्रॉफिट अर्निंग ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, तो जितनी भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। तो ये जितनी भी आर्थिक क्रियाएँ वो कानूनी या वैधानिक क्रियाएँ जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी आजीविका अर्जित करता है वो सभी आर्थिक क्रियाएँ कहलाती, जैसे कि बिजनेस करना, कोई पेशा या नौकरी करना, सभी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इनकम अर्न करना, प्रॉफिट कमाना। ओके,
सो ये है इकोनॉमिक एक्टिविटी का प्राइम ऑब्जेक्टिव. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. व्हेन गुड्स आर इम्पोर्टेड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट इट इज कॉल्ड. जब गुड्स को इम्पोर्ट किया जाता है एक्सपोर्ट करने की पर्पस से, तो इस एक्टिविटी को क्या कहते हैं? इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट या फिर फॉरेन ट्रेड? इसका आंसर तो सभी को पता होगा. इसका राइट ऑप्शन है सी, इंटरपोर्ट या फिर पुनर्निर्यात. जब किसी माल को निर्यात करने के उद्देश्य से आयात किया जाता है तो इसे पुनर्निर्यात कहा जाता है. इसे निर्यात हेतु आयात भी कहा जाता है. जब दो पक्षों या देशों के मध्य देश की सीमा पार करके व्यापार किया जाता है तो इसको हम विदेशी व्यापार कहते हैं. और विदेशी व्यापार मुख्यतः 3 तरीके के होते हैं, निर्यात, आयात और पुनर्निर्यात. ओके, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट और इंटरपोर्ट, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं. ओके, सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन ओलिगोपोलिस्ट. सो यहाँ पर आप देखिए कौन कौन से ऑप्शन है, गैट, ओपेक, WTO या फिर यूनिडो, UNIDO. तो यहाँ पर आपको बताना है राइट ऑप्शन क्या होगा. सो हियर द राइट ऑप्शन इज बी, ओपेक, OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग. ओके, तो पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन है ओपेक. ये अल्पाधिकारियों के बीच समझौते का सर्वोत्तम उदाहरण है. ओके, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की. इसको मैंने हिंदी में टाइप नहीं हो रहा था तो मैंने इस तरीके से ही कर दिया, आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा. वस्तु विनिमय का मतलब है, वस्तु विनिमय जिसको हम पहले बार्टर सिस्टम भी बोल सकते हैं, तो इसमें आपको बताना है कि राइट ऑप्शन क्या होगा. वस्तु विनिमय हम किसे बोलते हैं? माल को नगद बेचना, माल को उधार बेचना, या फिर जो भी प्रोडक्ट है उसको प्रोडक्ट से बदलना, या फिर माल को किस्तों में बेचना. तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसमें आपका राइट ऑप्शन है सी, माल को माल से बदलना. जब कोई भी वस्तु को वस्तु से ही एक्सचेंज किया जाता था, पहले जब पैसा नहीं चलता था, रुपया नहीं चलता था, उस समय इस तरीके को इस्तेमाल किया जाता था जिसको हम वस्तु विनिमय कहते हैं. तो मुद्रा का पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ था तब वस्तु को प्राप्त करने हेतु वस्तु विनिमय प्रचलित था. और वस्तु विनिमय वह प्रथा है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को माल देकर उसके बदले में माल प्राप्त करता है. माल मतलब कि गुड्स या फिर कोई प्रोडक्ट जिसकी उस कंज्यूमर को ज़रूरत होती है. ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 10, रिकॉर्डो इज़ फेमस. रिकॉर्डो किस लिए ज़्यादा फेमस है? जनसंख्या सिद्धांत के लिए, लागत सिद्धांत के लिए, लगान सिद्धांत के लिए या फिर लाभ सिद्धांत के लिए? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा आपका सी, लगान सिद्धांत के लिए. सो बहुत ही फेमस क्लासिकल इकोनॉमिक जो है इकोनॉमिस्ट जो हैं डेविड रिकॉर्डो, उन्होंने वितरण के संबंध में लगान सिद्धांत का प्रतिपादन किया. इनके अनुसार लगान भूमि का उपज का वह भाग है जो भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले में भूस्वामी को भुगतान किया जाता है. ओके, सो ये मैंने थोड़ा हिंदी में ज़्यादा समझा दिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा. और ये टॉप 10 क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में TGT और PGT में आए हुए हैं, तो आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिए. इसके अलावा सिलेबस में जो भी टॉपिक दिए गए हैं उनको भी अच्छे से पढ़िए और प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे. सो आज के लिए बस इतना ही. आपको क्वेश्चंस कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.